बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टाइल विद नूर। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने विंटर फ्रॉक डिज़ाइनिंग की एक वीडियो शेयर की थी, तो उसमें मेरी बहनों ने कुछ ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं वो फ्रॉक डिज़ाइनिंग आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊँ, तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आसान तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। इस फ्रॉक को कट करने के लिए सबसे पहले हमें बॉडी की मेजरमेंट लेना होगी। तो यहाँ मैं 4 साल की बच्ची की फ्रॉक कट कर रही हूँ। क्योंकि ये पेटी फ्रॉक है, इसलिए हमें फैब्रिक में से सबसे पहले हम पेटी का कपड़ा अलग कर लेंगे। पेटी की लेंथ मुझे तैयार चाहिए 8 इंच, तो मैं 9 इंच पर मार्क लगाऊंगी। हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। पेटी की चौड़ाई मुझे 14 इंच चाहिए, तो मैं 15 इंच या 16 इंच का फैब्रिक ले लूंगी। यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे, इस फैब्रिक को अलग कर लेंगे। बस ये फैब्रिक 4 फोल्ड में है। ये मैंने 9 इंच लंबाई में और 9 इंच चौड़ाई में फैब्रिक निकाल दिया है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग के लिए हमें इन फैब्रिक को इस तरह से तय करना है कि ये दोनों फैब्रिक अलग अलग रहें, ताकि फ्रंट और बैक की कटिंग डिफरेंट होगी तो ये डिफरेंट रहे। इससे ये हमने पेटी का कपड़ा अलग कर लिया है। अब हम फ्रंट को अलग और बैक को अलग कर लेंगे। फ्रंट साइड की हम मार्किंग पहले करेंगे। 5 इंच का मार्क हम शोल्डर पर लगाएंगे, कंधे के लिए भी 5 इंच पर मार्क लगाएंगे। जस्ट तैयार 7 इंच है, तो हम 7.5 पर मार्क लगा लेंगे। अब हम स्केल से इनको मिला लेंगे। यहाँ से हम तिरछा निशान लगाएंगे, 1/2 इंच बढ़ाकर रखेंगे और इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा मार्क लगाएंगे और तिरछी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ से हल्का सा इसको काट देंगे, इससे हमारी बॉडी की शेप अच्छी आती है। हमने फ्रंट बॉडी कट कर ली है, अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग के लिए हम फ्रंट को इस तरह इसके ऊपर रखेंगे, 1 इंच इधर से बढ़ाकर रखेंगे बन साइड से, ये देखें, और सेम कटिंग कर देंगे। अब हम ये जो बन साइड है इसको इस तरह से खोल लेंगे, कटिंग कर लेंगे सेंटर से। ये हमारी बैक है, और अब हम इसके यहाँ पर भी एक मार्क लगा देंगे, कट लगा देंगे, और एंड पर भी एक कट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम बैक गला कट करेंगे, और गले की गहराई 1 इंच लेंगे और चौड़ाई 2 इंच लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी पेटी की कटिंग हो चुकी है। इस फैब्रिक से हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ मेरे पास 11 इंच का फैब्रिक है। मुझे स्लीव्स चाहिए 9 इंच की, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी जो कटिंग में और सिलाई में चला जाएगा। स्लीव्स कट करने के लिए हम सबसे पहले ये डबल फोल्ड को इस तरह से निशान कट कर लेंगे, और स्लीव्स की कटिंग हम इस तरह से करेंगे, हल्की सी शेप दे लेंगे। ये मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। फैब्रिक की चौड़ाई 6 इंच है। हमें तैयार कंधा 5 इंच चाहिए, तो मैं 6 इंच रखूंगी, और लेंथ जो है इसकी मैंने 11 इंच आपको बताई है। मुझे 9 इंच चाहिए, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। इसमें कटिंग और स्टिचिंग दोनों शामिल हैं। अब मैं आगे से फैब्रिक को थोड़ा सा कट कर दूंगी बराबर करने के लिए। 2 इंच इसीलिए मैं एक्स्ट्रा रखवाती हूँ, ताकि उसमें कटिंग में जो जाना है आराम से चला जाएगा। स्लीव की चौड़ाई जो है वो तैयार 4 इंच होगी, तो मैं यहाँ 5 इंच रखूंगी। यहाँ 1 इंच पर हम कट लगा लेंगे, ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। बच्चों के लिए हम ज़्यादा गहराई नहीं करते, इसलिए हम इसको मज़ीद कट नहीं करेंगे। पेटी और स्लीव्स कट कर ली हैं हमने। अब बाकी का जो फैब्रिक बचा है, यहाँ से हम घेरे का कपड़ा निकालेंगे। घेरे का कपड़ा निकालने के लिए हम इसको मेजर करेंगे, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें तैयार फ्रॉक 22 इंच की चाहिए। 8 इंच की अगर पेटी है, तो 14 इंच हमें घेरे के लिए लंबाई लेनी होगी, जिसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हमें 16 इंच कपड़ा चाहिए होगा लंबाई में। ये 18 है, हम 2 इंच इसमें से एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं।
ये मैं 16 इंच पर मार्क लगा दूंगी। स्केल की मदद से हम इसको सीधी लाइन लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये 16 इंच की लंबाई है और 15.5 की चौड़ाई है। ये हमारे घेरे का कपड़ा है। अब हम इसको अलहदा कर लेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे कटिंग करके। व्यूअर्स ये 4 फोल्ड में है, ये देखें, ये फ्रंट और बैक का घेरा है। हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसके ऊपर जो डिजाइनिंग करनी है वो उसके लिए मैं ब्लैक कपड़ा यूज करूंगी। तो चलें अब उसको कट करते हैं। गले की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले पेपर बुकरम चाहिए। हम इसके ऊपर गला ड्रा करेंगे और कट कर लेंगे। गले की चौड़ाई 2 इंच, गले की गहराई 3 इंच, इसको हम राउंड वी शेप दे लेंगे इस तरह से। हमने 1/2 इंच की पट्टी लगानी है इस पर ब्लैक कलर की, तो हम 1/2 इंच पर मार्क लगाएंगे। अंदर के गले को कट कर लेंगे। अब बाहर की पट्टी को भी हम कट करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1/2 इंच पर लाकर छोड़ देंगे इस तरह से। अब हम इस पेपर बुकरम को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पर अपनी पेटी की लंबाई का निशान लगाएंगे। तैयार पेटी 8 इंच है, तो हम 8 इंच पर यहाँ पर मार्किंग लगा लेंगे। गले के स्टार्ट से लेंगे, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। इसको 3 इंच ऊपर तक लाएंगे इस तरह से, और अब इसको तिरछा मिला लेंगे, इस गले के साथ मिला लेंगे। यहाँ से हम फिर 1/2 इंच की मार्किंग करते हुए जाएंगे, ताकि हमारी जो ऊपर डिजाइनिंग है वो सारी बराबर रहे। इनको मिला लेंगे आपस में इस तरह से, और फिर कट कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे सीधा करके। व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने जो गले की डिजाइनिंग थी ये कट कर ली है। अब हम इसको ब्लैक कपड़े के साथ चिपका लेंगे। व्यूअर्स यहाँ डिजाइनिंग के लिए जो मैं फैब्रिक चूज कर रही हूँ वो ब्लैक कलर का है और सूती फैब्रिक है। तो ये मैं पेपर बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। इसकी ये गम वाली साइड को हम फैब्रिक के तरफ रखेंगे, फैब्रिक की साइड पे, और फिर इसको ऊपर से आयरन कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम बाकी को कट कर देंगे, और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए सेट कर लेंगे आयरन से ही। यहाँ पर इस तरफ कट लगाएंगे, ताकि हमारे कॉर्नर जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। हम इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन कर लेंगे। अब हम लूप्स कट कर लेंगे। लूप्स के लिए मैं ब्लैक कलर की डोरी इस्तेमाल करूंगी, और इसे मैं 2 इंच की मार्किंग पर कट कर लूंगी। ये देखें इस साइज में। अब हम नेक को पेटी के साथ स्टिच करेंगे, तो उसके लिए मैंने पेटी की उल्टी साइड और फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरह से रखना है, ताकि हम इसे सीधी साइड पर पलट लेंगे। तो मैं यहाँ से मशीन की सिलाई लगा दूंगी। हमने गले की नोक को बिल्कुल सेंटर में रखना है, पेटी के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ से मैं सिलाई लगाऊंगी। अंदर वाले फैब्रिक को अब मैं कट कर दूंगी। अब मैं कट के निशान लगा दूंगी। अब इस तरह से पलट लेंगे, इसको सीधी साइड पर इस तरह से पलट लेंगे। सारे फैब्रिक को मैं सेट करके आयरन कर दूंगी। व्यूअर्स मैंने इसको आयरन से सेट कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर मशीन की सिलाई कर लूंगी, और यहाँ पर इस कॉर्नर से इस तरह से लूप्स सेट करते हुए लगाती जाऊंगी। इसी तरह से मैं सारी लूप्स भी लगाते हुए ऊपर मशीन की सिलाई कर दूंगी। अब हम लूप्स रखना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, मैंने ये नेक कंप्लीट कर लिया है और ये सारी लूप्स लग चुकी हैं। व्यूअर्स बैक की कटिंग में हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था सेंटर से और कट कर लिया था, उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड्स को एक साइड को नीचे रखेंगे, दूसरी साइड को इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर अब हम रेब लगाएंगे। ये देखें, ये पट्टी हम बैक गले के नेक पर लगा देंगे, पहले एक साइड पर और फिर ये दूसरी साइड पर।
बस इस तरह से। अभी हम यहाँ पर फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को सिलाई करेंगे और फिर उसके बाद इसको अंदर फोल्ड करेंगे। इसको हम इस तरह रखते हुए आपस में मिला लेंगे। अब हम इस मगजी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अंदर फोल्ड करते हुए हम ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये बैक का एक साइड को हमने कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से कर लेंगे। ये देखें, बैक साइड पर मैंने जो पट्टियां लगाई थी वो मैंने इस तरह अंदर फोल्ड कर ली हैं। और अब हम इस तरह से यहाँ पर कोई टिच बटन या काज बटन जो भी हम चाहें कर लेंगे। अभी मैं यहाँ इसको पिन अप कर दूंगी ताकि ये हमें सिलाई में तंग ना करे। यहाँ पर आप जिप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं और काज बटन भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये हमारी नेक डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल ये नेक बन चुका है। यहाँ मेरे पास स्लीव्स हैं और स्लीव्स की फ्रंट साइड की कटिंग मैंने उस टाइम नहीं की थी जो मैं अब कर रही हूँ। यहाँ हमने स्लीव्स के हाफ से लेना है, बिल्कुल हाफ पे ये पॉइंट है, और यहाँ से हम दो उंगलियाँ निचोड़ कर आगे इसकी थोड़ी सी गहराई कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट की कटिंग है। और अब हम अपने स्लीव्स का यहाँ सेंटर कट कर लेंगे। ये हमें ज्वाइन करने में आसानी होगी। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए हमने ये जो कट लगाया है, इस कट को इस सिलाई के ऊपर रखते हुए इस तरह से हम स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स को मैंने इस तरह अटैच कर लिया है। अब मैं स्लीव्स के आगे भी ये पट्टी, ब्लैक पट्टी लगाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास 1.5 इंच की कटिंग में मेरे पास ये फैब्रिक है जिसकी लंबाई स्लीव्स की चौड़ाई के मुताबिक है, और इस फैब्रिक की चौड़ाई 1.5 इंच है। तो सिलाई के बाद 1 इंच हमारे पास बाकी रह जाएगा। फैब्रिक को उल्टी साइड पर मैं रखकर स्टिच करूंगी तो वो सीधी साइड पर हम पलट लेंगे। ये देखें, इसको हम इस तरह पलट लेंगे, यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, स्लीव्स पर पट्टी लग गई और ये स्लीव्स भी तैयार हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं घेरे की प्लेट्स की तरफ। तो ये फैब्रिक चूंकि मोटा है तो इसमें मैं चुनट्स नहीं डालूंगी, तो यहाँ पर हम इसकी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। प्लेट्स डालने के लिए सबसे पहले हम घेरे को इस तरह से डबल कर लेंगे। यहाँ पे हम सेंटर मार्क लगा लेंगे क्योंकि अब हम प्लेट्स डालेंगे तो हमारी दोनों साइड्स की प्लेट्स जो हैं वो इक्वल आनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से प्लेट्स डालना शुरू करते हैं 1 इंच के गैप से जो सिलाई का है। और यहाँ प्लेट्स का रुख इस तरह अपनी तरफ करते हुए हम बराबर का कपड़ा लेंगे। ये देखें, हमारे पास सेंटर आ चुका है। अब इन प्लेट्स को गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 प्लेट्स हमारे पास एक साइड की हैं तो हमें 6 ही इधर डालनी है और इसी गैप से डालनी है जिस तरह हमने उस साइड पर डालनी थी। और अब देखें, यहाँ पर मैं रुख चेंज कर लूंगी सेंटर से। अब मैं इन प्लेट्स का रुख यूं आमने सामने कर दूंगी। ये देखें, मैंने बगैर किसी मार्किंग के ये प्लेट्स डालकर तैयार कर ली हैं। 6 प्लेट्स हमारी दोनों साइड्स पर आई हैं और ये सेंटर है। इसी तरह से हमने दूसरे घेरे की भी प्लेट्स डाल ली हैं। अब हमने घेरे को बॉडी के साथ, पेटी के साथ ज्वाइन करना है तो हम इसका सेंटर इस सेंटर के साथ मिला लेंगे और फिर इसको सिलाई कर देंगे। हमने ये सेंटर पेटी के सेंटर से मिलाना है और इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये फ्रंट साइड की पेटी है और यहाँ पर देखें, मैंने सेंटर की मार्किंग ऑलरेडी की हुई है। हमने इस मार्किंग को इस सेंटर मार्किंग के साथ मिलाकर सिलाई कर देना है। ये देखें, पेटी और घेरा ज्वाइन हो चुका है और अब हमने लास्ट में फिटिंग की सिलाई करनी है जो हम बाजू से पकड़ेंगे और एंड तक ले जाएंगे। बस फिटिंग की सिलाई लग चुकी है और अब मैं लास्ट में जो मैंने नीचे से फोल्ड के लिए 2 इंच कपड़ा छोड़ा था तो मैं उसको इस तरह से फोल्ड करूंगी। पहले हम सिलाई को खोल लेंगे और फिर 2 इंच इस तरह से मोड़ते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे।
जी वीवर्स, हमारा ये फ्रॉक जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है। बहुत खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। इसमें कलर भी जो है वो लाइट और डार्क ब्लैक और ग्रे बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये चूंकि विंटर के हिसाब से था, मोटा फैब्रिक था, तो इसलिए मैंने इसमें प्लेट्स डाली हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जो मैंने पहली वीडियो दी है उसमें मैंने ये लिलन के स्टफ में था, उसमें चुनरी डाली थी। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।